पेड़ा बनाने के लिए हम कढ़ाई को रख लिए। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 लीटर दूध हम डाल के और इनको अच्छे से हम उबालेंगे। ये देखिए 1 लीटर हम पूरा मोच के हम डेयरी में से लाए हैं दूध, उसको हम बनाएंगे और 1 बराबर से हम इनको चलाते रहेंगे, बीच में हम छोड़ेंगे नहीं। अब पूरे हाई फ्लेम पर हम इनको उबालेंगे। अब पूरा दूध को हम जला के एकदम पावसर बना देंगे। अभी क्या है ना, ये सावन का महीना है, रक्षाबंधन के त्यौहार चालू है, सावन के पावन महीना है, तो भाइयों के लिए तो बनता ही है, कुछ मिठाइयाँ बना लूँ। तो हम पेड़ा बनाने जा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन पहले से हम बनाना शुरू करते हैं, तो अभी 4 दिन बाकी है रक्षाबंधन को। 3-4 किस्म के हम मिठाई बना लेंगे। तो देखिए हम दूध को पूरे तरह से कैसे जल रहे हैं। ये जो जल रहा है ना, हम इनको बीच में कर लेंगे आजू बाजू से। ये मलाई छोड़ रहा है ना, तो इनको हम बीच में कर लेंगे और 1 बराबर से हम चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे ना, तो एक तरफ से वो क्या हो जाता है ना, वो आजू बाजू में आके बैठ जाता है, छूटता नहीं है। इसलिए इनको हम अच्छे से हम चलाते बराबर हम सबको जला लेंगे। जलाने के बाद में हम इसमें कुछ मावा डालेंगे, फिर हम चीनी डालेंगे। तो देखिए दूध के हम 1 लीटर दूध के हम 0.5 लीटर हम बना दिए हैं। आई इसमें आपको पीला दिखता है ना दूध, तो हम ये इसमें ना केसर डाले हैं। तो आप देख सकते हैं केसर कहीं कहीं दिख रहा है, ये बच्चे ने बोला कि थोड़ा केसर डाल दो, इसलिए हम थोड़ा केसर हम डाल दिए हैं। देखिए इसलिए दूध पीला दिख रहा है। तो अब इसमें हम डालेंगे मावा। मावा हम लाए हैं 1 पाव। 1 किलो दूध में हम 1 पाव मावा डालेंगे। अगर आप चाहें तो घर में 0.5 किलो भी डाल सकते हैं। हम तो मालूम नहीं है कि मिठाई के रेट कैसे है, हम तो घर में जो भी खाने के मन करता है तो हम घर में बना लेते हैं। तो 500-600 रुपये किलो तो मिलते होंगे, अंजाद से हम बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए मावा को, हम मीठा मावा लिए हैं और इसमें हम डाल के मावा के भी हम अच्छे से इसमें बना लेंगे। तो देखिए हम 1 पाव हम मावा लाए हैं। मावा हमारा मीठा वाला है, तो इनको हम ये छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे। अब करके उसी में हम डाल देंगे। अब चाहे तो अगर ज़्यादा आपको मिठाइयाँ चाहिए तो 0.5 किलो मावा डाल दीजिए 1 किलो दूध में। जितना ज़्यादा मावा डालेंगे उतने ज़्यादा मिठाई बढ़ जाएंगे। एक कम से कम हमारा मिठाई 0.5 किलो से ऊपर हो जाएंगे। तो देखिए टुकड़ा हम करके उसमें हम डाल देंगे। क्या है ना, हम भाइयों से हम बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं, इसीलिए हम भाई के लिए अलग अलग चॉइस के हम मिठाई बनाते हैं उन लोगों के लिए। अब भाई लोग मुझसे प्यार करता है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो देखिए इसमें मावा को हम डालेंगे। हमारा भाई में किसी का रसगुल्ला पसंद है तो किसी को बर्फी पसंद है, तो ये सबको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, क्योंकि ये दूध जो है ना इसको बांध देंगे। ये मावा है ना, वो दूध को बांध देंगे। दोस्तों आप सोचते होंगे कि इतने धीरे धीरे क्यों बोल रही है, तो हमारा थोड़ा तबीयत खराब है ना, इसीलिए हम इतने धीरे से हम बातें कर रहे हैं। अगर वीडियो नहीं बनाते तो वीडियो हमारे पीछे हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है तो आज हम वीडियो हम बना रहे हैं। तो देखिए इसमें पूरे मावा को हम डाल देंगे। तब देखिए पूरा हमारा दूध तो जल चुका है, एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हम 100 ग्राम से, देखिए 100 ग्राम हम डालेंगे चीनी को। तो चीनी को हम, क्योंकि ये चीनी ना पानी छोड़ता है, इसलिए हम पहले नहीं डाले हैं, अभी हम डाल रहे हैं। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे, इसीलिए हम कम चीनी को डालेंगे और डाल के सबको अच्छे से फिर हम आपस हम जलाएंगे ये छेना को। तो देखिए हम इतना
अब देखेंगे तो 100 ग्राम के नापना है, इससे ज़्यादा हम नहीं डाले हैं। अब इनको अच्छे से फिर आपस हम जला लेंगे। अब चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हम इलायची पाउडर हम नहीं डालेंगे, हम सादा एकदम बना रहे हैं। तो देखिए इलायची पाउडर डाल दीजिए, या अगर आपको अलग से कोई मसाला पसंद है वो डाल दीजिए। हम चीनी को गलने तक हम इनको इसमें गैस को एकदम लो फ्लेम पर करके हम जला लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम बना के तैयार कर लिए हैं। हम ठंडे होने के लिए हम प्लेट में हम रख लिए हैं, ये इनको ठंडे होने तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। ये अच्छे से ठंडा होने के बाद में फिर हम इनको पेड़ा बनाएंगे। तो देखिए ये 1 किलो दूध में और 1 पाव मावे में कितना सारा बना है, फिर बनाने के बाद में हम बताएंगे। और कलर भी देखिए कितना अच्छा कलर बना है। तो चलिए हम ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो देखिए 12 घंटा के लिए हम छोड़ दिए थे इनको, कितना अच्छा ये ठंडा हो गया है एकदम। अब इनको हम क्या करेंगे, हाथ से अच्छे से हम मसल लेंगे आटा का जैसे। अब इनको हम थोड़ी थोड़ी सा के लेंगे लोई और हाथों पर ऐसे घुमाकर और इनको बीच में थोड़ा सा ऐसा गाठा कर देंगे। देखिए आप साइज बड़ी छोटी आप अपने मर्जी से कर सकते हो हैं। तो देखिए हमको किसी को देना नहीं है, अपना घर में यूज करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा साइज हम बड़ी कर लेंगे। और बीच में आप चेरी हो तो चेरी डाल दीजिए, नहीं तो इसी तरह रहने देंगे तो भी चलेगा। गोल करके हम अंगूठे से ऐसा बीच में थोड़ा सा होल कर देते हैं, नहीं तो इस तरह के चम्मच है तो चम्मच से इस तरह दाब दीजिए। और इसके ऊपर आप चाहे तो चेरी डाल दीजिए, नहीं तो बादाम डाल दीजिए। तो हम बादाम डाल के हम बना रहे हैं और इनको अब रख देंगे। सबको ऊपर हम ये बादाम को ऐसा डाल देंगे, दो दो टुकड़े में हम एक बादाम को 2 टुकड़े में हम कर लिए हैं। इसको इस तरह से हम डाल के को इसी तरह हम बना लेंगे। तो देखिए आज की रेसिपी आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और घर में ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।